वेलकम टू जज्बा ऑनलाइन स्टडी क्लास है दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल जज्बा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में। आज दोस्तों हम आपको ग्रुप डी का क्वेश्चन आंसर कराएंगे जो प्रीवियस ईयर से होगा। यदि आप अगर 20 में से 15 का भी आंसर आप सही दे देते हैं तो बुझिए कि आपका कंपटीशन बहुत ही जोरों से चल रहा है। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, एनी बेसेंट कौन थी। तो दोस्तों एनी बेसेंट कौन थी आप बताइए, ग्रेट ब्रिटेन की राजकुमारी, हाउस ऑफ कॉमर्स की अध्यक्ष, या कॉलोनियल भारत की एक ब्रिटिश जासूस, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो दोस्तों आप आई होप आपको पता ही होगा कि एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर, यदि यह प्रसिद्ध कथन हु विल इन इंडिया डाई निम्न में से किसका है। दोस्तों यह कथन हु लिव्स इन इंडिया डाइज निम्न में से किसका है। तो दोस्तों आई होप आपको पता होगा ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कौन सी ऑन डिमांड इंटरनेट स्ट्रीमिंग मीडिया ने हाल ही में भारत में प्रवेश किया है। दोस्तों कौन सी ऑन डिमांड इंटरनेट स्ट्रीम मीडिया ने हाल ही में भारत में प्रवेश किया है। तो दोस्तों आप इसको पता होगा या नहीं होगा, चलिए दोस्तों आपको हम बताते हैं, ये नेटफ्लिक्स जो है ये हाल ही में इंडिया ने अभी लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत मिशन 2019 में हमारे राष्ट्रपिता की 150वीं जयंती पर समापन होगा, यह तिथि कौन सी है। दोस्तों प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत मिशन 2019 में हमारे राष्ट्रपिता की 150वीं जयंती पर समापन होगा, यह तिथि कौन सी है। तो दोस्तों ये सबको पता होगा बचा बचा, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ रहा है कि हमारा राष्ट्र जो है महात्मा गांधी, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, यानी कि जयंती कौन सी है, तो 2 अक्टूबर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्न में से केंद्रीय सरकार के द्वारा मुद्रण नोट जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। दोस्तों निम्न में से केंद्रीय सरकार के द्वारा मुद्रा नोट जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। दोस्तों ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, जिसमें अगर आप 15 बता देते हैं अपने मन से तो बुझिए कि आप बहुत ही अच्छे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए 5 नंबर का आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कृषि विज्ञान में डैश का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों कृषि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो भूमि की उत्पादकता का। दोस्तों आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन, कृषि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो भूमि की उत्पादकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आरुषि की हत्या के मामले पर तलवार फिल्म का प्रीमियम टोरंटो फिल्म समारोह में किया गया था, इसके निर्देशक कौन है। दोस्तों फिर से एक बार, आरुषि की हत्या के मामले पर तलवार फिल्म का प्रीमियम टोरंटो फिल्म समारोह में किया गया था, इसके निर्देशक कौन है। तो दोस्तों हम आपको सिर्फ अब आंसर ही इसमें बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बनाना चाहता हूँ। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा मेघना गुलजार। आप लोग अपने मन से देख लीजिए कितना बना पाते हैं, अगर 15 बना पाते हैं तो बुझिए कि आप बहुत ही अच्छे कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। भारत के दो महाकाव्य, दोस्तों भारत के दो महाकाव्य कौन है, रामायण और महाभारत, ये हमारे इंडिया के दो बहुत बड़े महाकाव्य है। विषम को चुने, यानी दोस्तों विषम को चुनिए, इसमें मॉनिटर, माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, तो इसमें कौन अलग है। तो दोस्तों यहाँ स्कैनर जो है हमारा अलग है, बाकी सब कंप्यूटर का भाग है, स्कैनर एक अलग है। भारतीय चीन युद्ध किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों सबसे इजी क्वेश्चन, भारतीय चीन युद्ध किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों भारत के साथ चीन युद्ध 1962 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस हर दिन किस दिन मनाया जाता है, हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा संघनन।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन परत की रक्षा के लिए कौन सी संधि बनाई गई है? दोस्तों ओजोन परत की रक्षा के लिए कौन सी संधि बनाई गई है? तो यह हमारा ऑप्शन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये हमारे ओजोन की परत की रक्षा के लिए बनाई गई है। बंगलौर में एक ट्रैफिक क्लॉक, दोस्तों फिर देखो, बंगलौर में एक ट्रैफिक सर्कल का नाम निम्नलिखित में से किस पर रखा गया है? तो दोस्तों यह हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनिल कुंबले के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अपने वजन के आधार पर सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पर है? दोस्तों अपने वजन के आधार पर सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ है? तो ये हमारा जबरा की हड्डी जो है ये सबसे मजबूत होती है हमारे शरीर की। ये और भी पूछ सकता है कि सबसे मजबूत हमारे शरीर की हड्डी कौन सी है, तो जबड़े की हड्डी, इसे हम लोग इनेमिल भी कहते हैं, इनेमिल याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के अनुसार नाम मात्र GDP के आधार पर वर्तमान में कौन सी देश दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो दोस्तों यहाँ हाल ये आपको बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका, हम ये सभी कोई जानता है कि सबसे अमीर है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? दोस्तों निम्न में से कौन सी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो हमारा यूनिक्स जो है हमारा ऑपरेटिव सिस्टम है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बांग्लादेश को कब स्वतंत्रता मिली? दोस्तों इस वीडियो का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट दूसरा क्वेश्चन, बांग्लादेश को कब स्वतंत्रता मिली? तो दोस्तों बांग्लादेश को 1971 में स्वतंत्रता मिली। आप इसको आई होप आप लोग इसको बनाते होंगे, आपको आंसर पता ही होगा, या नहीं होगा तो हम बता दें। अगर 15 से कम है दोस्तों तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। असम की राजधानी डैश है, तो दोस्तों असम की राजधानी आप सभी जानते ही होंगे, दिसपुर। लास्ट क्वेश्चन, और किस खेल में गेंद फेंकने के विशेष प्रकार को यॉर्कर कहते हैं? दोस्तों ये सबसे इजी क्वेश्चन है, देखिए किस खेल में गेंद फेंकने के विशेष प्रकार को यॉर्कर कहते हैं? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यॉर्कर किस में यूज होता है, क्रिकेट में। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों ये अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज़ इस कमेंट में आप बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा या ख़राब या जो भी। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय।